रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर लंबे समय से बस बना हुआ है। अभी इस फिल्म का ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, बावजूद उसके फिल्म को लेकर हाइप टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वो बात अलग है कि मूवी की चीजें लगभग कंफर्म नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं हाल फिलहाल सेट से रणबीर कपूर और साई पल्लवी की भगवान राम और माता सीता की कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। दोनों की तस्वीरें जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई और बवाल मच गया। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ अहम कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में ही चल रही है। बताया जा रहा है कि आउटडोर शूटिंग चल रही थी, इसलिए तस्वीरें लीक हो गई। अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लीक से बचने के लिए ज्यादातर सीन इंडोर ही फिल्माए जाएंगे। दरअसल मिड्डे की एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया है कि नितेश तिवारी ने अब इंडोर शूटिंग करने का फैसला कर लिया है, जिससे लीक होने के चांस कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आउटडोर शूट नहीं होगा, बोला जा रहा है कि आउटडोर शूटिंग सिर्फ रात के समय में ही की जाएगी। साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी गई है, जो कि पेपराजी और फैंस को सेट से दूर रखे जो तस्वीरें क्लिक कर लेते हैं। वहीं सेट पर पहले से ही नो फोन पॉलिसी होने वाली है। बहरहाल रिपोर्ट की माने तो जिस शेड्यूल की शूटिंग अभी चल रही है, मेकर्स जून तक उसे पूरा करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जून में फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। वहीं ऐसे सीक्वेंस की शूटिंग हो रही है जिसका इस्तेमाल अनाउंसमेंट के लिए किया जाएगा। रणबीर कपूर, साई पल्लवी के अलावा इस फिल्म में सनी देओल, लारा दत्ता, अरुण गोविल जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं। अभी तो मेकर्स की तरफ से किसी भी चीज को लेकर कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसी बातें चल रही है कि ये फिल्म 2025 में रिलीज हो सकती है। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं रामायण को लेकर कमेंट बॉक्स में बताना हमें ये बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।